माना कि आपके पास ओप्पो ए वन सेवन के हैंडसेट है और आपका हैंडसेट भी इस तरह से लॉक्ड है जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आपने जो हमें कमेंट किया था उसके अनुसार आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे इस तरह से लॉक्ड है और आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा बात है यदि आपके पास भी ओप्पो का कोई भी मॉडल है और आपका हैंडसेट अनलॉक हो चुका मतलब लॉक से अनलॉक नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ओप्पो के एक ऐसे मैथड के बारे में बताने वाले हैं जो कि ऑफलाइन तो है ही जिसमें आपको पीसी और लैपटॉप की जरूरत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और प्लस इस मेथड से आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपको जान के खुशी होगी कि आपके हैंडसेट का एक एक भी डेटा फोटोस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन आपके कोई भी यहां पे लॉस नहीं होने वाले डिलीट नहीं होने वाले और आप उसे घर बैठे ही चुटकियों में अनलॉक भी कर पाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को यदि आपने एक सेकेंड के लिए भी बढ़ा के देखा तो हो सकता है आपको फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और वहां गए तो समझिए कि आप फंस गए क्योंकि आपके पैसे भी चले जाएंगे और आपके हैंडसेट का डेटा भी डिलीट हो जाएगा आपको एक नया स्मार्टफोन की तरह आपको आपको हैंडसेट मिलेगा जो कि आपके लिए आई थिंक कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है तो इस वीडियो को यदि आप प्रॉपर पूरा देखते हैं तभी आप इसे समझ के अपने हैंडसेट में यूज करके आप उससे बेहतर तरीके से डेटा के साथ यूज करके अनलॉक भी कर पाएंगे तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास जो ओप्पो का ए वन सेवन के हैंडसेट है इसके साथ साथ ये मेथड आपके सारे ओप्पो के हैंडसेट में वर्क करेगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप इस मेथड को नहीं सीख जाते हैं अब यहाँ पे सीखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसे आप अपने साथ में मोबाइल को ले लीजिए उसमें आप अप्लाई करते जाइए ताकि आप उसे सीख करके अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे तो यहाँ पे आप इस डिस्प्ले को देख रहे हैं जो कि लॉक्ड है और इस ओप्पो के हैंडसेट में अब जब इसे हम यहाँ पे अनलॉक करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है हो सकता है आपने अपने हैंडसेट में पैटर्न लगाया होगा पर कोई भी मेथड लगाएं मेथड एक ही अनलॉक करने का पासवर्ड पैटर्न या आपने पिन लगाया हो तो भी कोई मैटर नहीं है अब आपको यहाँ पे हम ले चलते हैं मोबाइल को अनलॉक करने के मेथड की तरफ जहाँ पे आपको इसे अप्लाई करना है वन बाय वन जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप जब गौर से देखेंगे तो आपको जहाँ पे पासवर्ड डालना होता है जस्ट उसके नीचे जब आप ध्यान से और बारीकी से देखेंगे तो आपको आप आपके हैंडसेट में दिख जाएगा इमरजेंसी कॉल का एक ऑप्शन आप इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए इस तरह से और जब ये ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे मेरे द्वारा बताए गए कोड को यहाँ पे डालेंगे और वो कोड कोई ऐसा वैसा कोड नहीं है वो कोड है ऑफलाइन मोड का कोड जिससे आपका हैंडसेट पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चला जाएगा आपके हैंडसेट से सारी कनेक्टिविटी हट जाएगी तभी आप इस ऑफलाइन uh, मोड का इस्तेमाल अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए कर पाएंगे तो यहां पे आपको एक कोड डालना होगा और वो कोड आप यहां पे क्लियरली मेंशन मैं कर रहा हूं आप इसे सही से देख लो और इसके बाद आपको लास्ट में हैज बटन दबाना है यदि पॉसिबल हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि पॉसिबल नहीं है तो आप इसे कहीं लिख लीजिए ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा अब यहां पे आपको करना क्या है इस कोड को डालने के बाद इसे तीन बार डायल करना है यानी कि तीन बार आपको कॉल करना है तो कॉलिंग करना भी बहुत ही आसान है कॉल कीजिए यहां पे एक कॉल फेल्ड का जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसे आपको इग्नोर कर देना है ओके करते हुए तो इसे आपको तीन बार इस तरह से जैसा मैंने किया आपको भी वैसा कर देना है अब आप देख पा रहे हैं आपका जो ओप्पो का जो हैंडसेट है उसमें ऑफलाइन मोड चालू हो चुका है स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसे फ्लाइट मोड में नहीं लेके जाते हैं तो फ्लाइट मोड ले जाने के लिए आप इसके नोटिफिकेशन पैनल पे जाइए नीचे में देखिएगा आपको एयरप्लेन मोड आप इसे सेलेक्ट करके अपने हैंडसेट को कंप्लीटली ऑफलाइन कर सकते हैं अब इसके बाद आपके हैंडसेट में जो मैंने यहाँ कोड डाला था इसे हटा दीजिए अब, अब 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 आपको यहाँ पर डालना है मास्टर अनलॉकिंग कोड जी हाँ यहाँ से आपके इंजीनियर मोड की तरफ हम चले जाएंगे और वो कोड बहुत ही आसान है याद रही आप रख सकते हैं याद नहीं होगा तो कहीं हाथ में लिख लीजिए और उसे याद करते रहिएगा वो कोड है स्टार हैच एट Nine, nine, और हैज। और जैसे ही हम यहां पे हैज को क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके हैंडसेट में इंजीनियर मोड एक्टिवेट हो जाएगा अब जैसा कि नाम है, देख के तो आपको खुशी हो गई होगी कि इसी के मेथड से आप अपने हैंडसेट में कुछ भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बेसिस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वन बाय वन आप गिन लो सारे यहां से सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं और ये मोबाइल अनलॉकिंग तो बहुत छोटी बात है तो फिलहाल पहले आपको अपने मोबाइल को अनलॉक करना है तभी आप बाकी का चीज यहां पे करेंगे तो यहां पे आप आपको करना क्या अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा कि आप बढ़ा के देखेंगे तो हम आप, आपको मैं बता दूं सर्विस सेंटर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए अब यहां पर आपको नंबर फोर वाले एक ऑप्शन पे ध्यान से देखना है जो है मेनुअल टेस्ट क्लिक कीजिए ये आपका ओपन हो जाएगा एक नए पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अब इस पेज पे आपको करना क्या है इस तरह से स्लाइड करना है और सबसे लास्ट में एक पेज आपको दिख रहा होगा अदर का इस तरह से आप वहां पे पहुंच जाएंगे अब यहां पे भी बहुत सारे ऑप्शन हैं बहुत सारा कंफ्यूजन है आप घुराई नहीं मैं आपको बता रहा हूं बिना कंफ्यूज हुए आप इसे प्रोस्थ, इस प्रोसेस को अपने मोबाइल में कर सकते हैं यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है डेटा बेस वर्सन आप इसे यहां पे देख लीजिए अब यहां पे करना क्या है ना डेटा बेस वर्सन को आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार क्लिक करना है 11 टाइम्स तो चलिए इसे पूरा करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब इसके बाद आपके हैंडसेट में हमें दूसरा स्टेप लेना और वो है नंबर फाइव पे यानी कि सबसे लास्ट में रि, रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक करना और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको जानकर बहुत खुशी होगी यदि आपको पास आ रहा होगा तो मतलब आपने अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए हैं वो सब सही रास्ते पे चल रहे हैं और आप आगे के प्रोसेस को ले जाने के लिए तैयार हैं अब आपको इस हैंडसेट में बैक करना है और अब यहां से आपको बैक आना है और एक डिवाइस डबिंग का आपको एक पेज दिखेगा वहां पे आपको चले जाना है जैसा कि आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं यहां पे आपको नीचे की तरफ जाना है और यह चेक करना है कि आपके सेंसर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं बात समझ रहे हैं सेंसर्स आपके जब तक सही से काम नहीं करेंगे आप उसे ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे उसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ जाना है और आप आपको यहां पर दिखेगा जैरोस्कोप इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को क्लिक कर दीजिए अब आपको यहां पर टेस्टिंग हुआ और यहाँ पे पास लिख दिया। मतलब पास का मतलब था बैक आइए तो और यहाँ पे आपको में देखेगा graph, इसे क्लिक कर दीजिए और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स वाई और जेड नाम के जो सेंसर्स है आपके यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू वो आपके आपस में सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं यानी कि आपके सेंसर्स तो सही हैं आपके तो सही हैं और उसे आप अनलॉकिंग मोड पे अप्लाई uh, कर सकते हैं यानी कि अब आपका होने के लिए हो चुका है इसे बैक करेंगे तीन होने के बाद, तीन से पहले आपको बैक नहीं करना है वरना आपके जाएगी और आपका हैंडसेट रिसेट नहीं हो पाएगा फिलहाल यहां तीन सेकंड से भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं बैक आऊंगा मैं और फिर से बैक आऊंगा और यहां पे अब आपको अगले इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं एक ऑप्शन आपको खोजना है अपने स्मार्टफोन में sensor, क्लिक कीजिए इसे और यहां पे आपको दो तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे किसी के स्मार्टफोन में एक भी मिल सकता है पर मैटर ये नहीं करता मैटर ये है कि जब आप इसे क्लिक करेंगे ऑपरेशन जो नॉट स्टार्टेड है जब इसे आप, आप स्टार्ट करेंगे तो कोई भी एक भी पास आपको दिख जाना चाहिए तो चलिए इसे टच करके आपको स्टार्ट करना है इस तरह से और यदि एक भी हमें पास का मैसेज यहां पे दिख जाता है तो समझिए आपका मोबाइल यहां पे अनलॉक हो चुका है यदि नहीं आ रहा है फिर से क्लिक करते रहिए जब तक कि आपका यहां पे पास का मैसेज आपको दिख ना जाए और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका एक मैसेज जो है वो यहां पे पास आपको दिख गया है दोनों दिख जाए तीनों दिख जाए वेल एंड गुड यदि एक भी दिख रहा है तो भी वेल एंड गुड है अब आपको यहां से सिंपली बैक आना है और अब आपको सीधे लास्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इसलिए मैं कह रहा हूं बढ़ा के मत देखिए स्किप करके मत देखिए वरना आप अपने मोबाइल को कभी भी अपने जीवन में तो आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे फिलहाल अब आपको यहां पर नंबर दो वाले ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट को क्लिक करके ओपन करना है और यहां पर फ्रेंड्स <coughs> सॉरी दोस्तों आपको यहां पर ओके करने के लिए कहा जा रहा है सिंपली आप इसे पहली बार में कैंसिल कर दीजिए ठीक है आपको यहां पे आपके स्मार्टफोन को कंफ्यूज करना है सॉरी दोस्तों थोड़ी तबियत खराब हो गई है फिर से क्लिक करेंगे और इस बार भी इसे कंफ्यूज करने के लिए कैंसिल कर देंगे तीसरी बार करेंगे क्या कि इसे ओके कर देंगे और देखेंगे आप यहां पर रॉन्ग पासवर्ड डिटेक्शन आ गया है यानी कि आपका स्मार्टफोन रिसेट हो चुका है अब सिंपली इसे चेक करेंगे आपका एंडरेट अनलॉक हुआ कि नहीं तो उस केस में हम सीधे यहां पे होम पे क्लिक कर देंगे स्मार्टफोन तो आपको देख सकते हैं दोस्तों आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है और आपके एंडरेट का कोई डेटा भी लॉस नहीं हुआ है यानी कि आप इस प्रोसेस को अपने हैंडसेट में अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपका मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल में हम आपके हैंडसेट को पांच मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देंगे तो एक बार ज्वाइन कर ट्राई जरूर कीजिएगा